This video is a collaboration with Oziva Plant Protein. नाम से ही जाहिर है कि ये एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है. क्या है इसके बेनिफिट और कैसे यूज़ करते हैं वो आगे हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उसके पहले शुरुआत करते हैं एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग से, क्योंकि मॉर्निंग हेल्दी और ब्यूटीफुल तभी होती है जब उसकी स्टार्टिंग होती है अर्ली. गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ. सो टाइम हो गया है 4:56. थोड़ी सी हिम्मत करके 5 बजे से पहले पहले अगर छत पे या आंगन में पहुंच जाएं तो फ्रेश एयर के साथ साथ मिलते हैं कनेक्शन विद नेचर एंड बर्ड्स. हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ देता है पीस ऑफ माइंड, क्योंकि जैसे जैसे सनराइज होगा गाड़ियों और इंसानों के शोर में इन बर्ड्स की आवाज़ कहीं सुनाई भी नहीं देगी. बस 30 डेज़ की प्रैक्टिस और उसके बाद आप कभी भी अपने आप को बाहर आने से रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठने वाले अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करते हैं. एक्चुअल में यही सही टाइम होता है प्राणायाम और मेडिटेशन का, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी चीज़ होती हैं. बेटे की मॉर्निंग बास्केटबॉल अकेडमी ने मुझसे ये टाइम ले लिया है और ये टाइम होता है अब जाके उसका लंच बनाने का. तो थोड़ी देर यहाँ पर रुक के डीप ब्रीथ करती हूँ और उसके बाद चली जाती हूँ सीधा किचन में. कितनी भी बिजी हूँ, कितनी भी जल्दी में क्यों ना हूँ, लेकिन शुरुआत करती हूँ लेमन वाटर से, क्योंकि डेली बॉडी की इंटरनल क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है. रेगुलर फॉलोअर्स तो जानते हैं कि पूरे साल में एक भी दिन मैं इसे मिस नहीं करती. उसके बाद मुझे बेटे का लंच बॉक्स रेडी करना होता है. पूरे दिन मुझे क्या बनाना है उसकी प्लानिंग और प्रिपरेशंस मैं पहले से ही कर लेती हूँ, क्योंकि अगर प्लान्स रेडी ना हो तो बहुत सारा समय ये सोचने में ही निकल जाता है कि कौन से वक्त में क्या बनाना है. तो बेटे के टिफ़िन के लिए मैं बना रही हूँ आज आलू भिंडी की सब्ज़ी. तो भिंडी मैंने रात को ही काट ली थी और आलू पहले से बॉयल करके रखे ही होते हैं, तो अभी काट रही हूँ मैं अनियंस. के लिए प्याज को मैं बारीक बारीक काट रही हूँ. भिंडी की सब्ज़ी नॉर्मली हम बनाते ही हैं, लेकिन आलू भिंडी की सब्ज़ी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है. और रेसिपी भी बहुत इजी है. थोड़े से ऑयल में सबसे पहले मैंने जीरा डाला है, धनिया सीड्स डाले हैं, उसके बाद प्याज डाल दिया है, हरी मिर्च डाली है कटी हुई. बस प्याज को थोड़ा सॉटे करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की इसको ज़रूरत नहीं है. तो भिंडी आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश लग रही है, कल मैंने अपने गार्डन से ही निकाली थी. थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे और डाल देंगे आलू जो हमने पहले से बॉईल करके रखे हैं और उनको मैंने पीसीस में कट कर लिया है. साथ ही इसमें ऐड कर देंगे भिंडी. फ्लेम आपको यहाँ पे मीडियम रखना है और इसको कवर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत इजीली पक जाएगी. एक तरफ मेरी सब्जी रेडी हो रही है और दूसरी तरफ बना रही हूँ मैं चपातियाँ. बेटे के टिफ़िन के लिए बस मुझे 2 ही चपातियाँ इस वक्त बनानी होती हैं, क्योंकि जो उसका ब्रेकफास्ट टाइम होता है वो 5:30 बजे का होता है. तो 5:30 बजे कोई इतना मन नहीं करता उसका कुछ भी हैवी खाने का, तो उसमें वो सिर्फ फ्रूट ले लेता है या फिर मैं उसे स्मूदी बना के देती हूँ. भिंडी को उतारने से जस्ट 1 मिनट पहले डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर और गरम मसाला. तो बस अब मैं उसका लंच पैक कर दूँगी, आलू भिंडी की सब्ज़ी, बूंदी रायता जो कि उसका फेवरेट है, फ्रूट रखूँगी एक साइड पे, बहुत ही चूजी है वो फ्रूट्स के मामले में, बहुत ही कम फ्रूट हैं ऐसे जिनको वो खाना पसंद करता है, और साथ में चपाती. बच्चों का ब्रेकफास्ट अगर मिल्क और एग्स हो तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन यहाँ मेरे बेटे की एक प्रॉब्लम है, उसे दूध पीना नहीं पसंद. आप ये कह सकते हैं कि उसे दूध डाइजेस्ट नहीं होता है मॉर्निंग के टाइम, और खेलने जाने से पहले बहुत हैवी मील वो लेना नहीं चाहता. सो स्मूदी इज़ द बेस्ट ऑप्शन. एक ग्राइंडर जार में मैंने थोड़े से एप्पल डाले हैं कटे हुए, ऑलमंड्स, चिया सीड और ज़ीवा का प्लांट प्रोटीन डाल रही हूँ मैं इसमें, और 1 स्पून फुल ऑफ पीनट बटर, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम कर्ड, थोड़ा सा डालेंगे पानी और इसको ग्राइंड कर देंगे. आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं जो कि मैंने किया भी है बाद में.
तो ये है ओजीवा का प्लांट प्रोटीन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जिसको बनाया गया है पीस, ब्राउन राइस और किनुआ को एक्सट्रैक्ट करके, यानी कि इसमें से कार्ब्स, फैट और शुगर तीनों चीज़ें निकाल दी गई हैं और इसमें रह जाता है सिर्फ प्रोटीन और फाइबर। बहुत अच्छा खाना खाते हैं हम, लेकिन इंडियन फूड में ज़्यादातर कार्ब्स और फैट ही होते हैं और प्रोटीन काफ़ी हद तक मिसिंग रहता है, स्पेशली वेजिटेरियन डाइट में। और जो लोग वेगन हैं यानी कि दूध, दही, पनीर वगैरह कुछ नहीं खाते, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये प्रोटीन पाउडर बेस्ट है। 3 साल से ऊपर की एज का कोई भी पर्सन, चाहे वो ओल्ड एज है, डायबिटिक है, सब ले सकते हैं। 1 स्कूप में 30 ग्राम्स प्रोटीन है। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो एक फुल स्कूप ले सकते हैं, नहीं तो हाफ। इजीली डाइजेस्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ग्लूटेन फ्री है और कोई प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं है। कंप्लीट न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ साथ इसमें 18 अमीनो एसिड्स हैं जो कि एक प्रोटीन पाउडर को बेस्ट बनाता है। जब से मैंने इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू किया है तब से मन से ये डर हट गया है कि घर के बुज़ुर्गों को दूं या नहीं, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ वेजिटेरियन हैं और अब ये प्लांट प्रोटीन उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर रहा है। क्योंकि ये टेस्टलेस है इसलिए आप इसे किसी सब्जी में या जब आप डो बनाते हैं तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं और उसकी चपातियाँ बना के पूरी फैमिली इसको कंज्यूम कर सकते हैं। आप इसे ओट मील में भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल पानी के साथ इसको लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि यह टेस्टलेस है, तो आप इसे स्मूदी में ऐड करें, किसी जूस में ऐड करें। कहने का मतलब ये है कि आपको किसी मील में ऐड करके इसको लेना है। इन केस आप इसे बाय करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्कूल में बेटे का लंच ब्रेक 11:30 के राउंड होता है, तब तक ये स्मूदी उसे खेलने के लिए एनर्जी भी देगी और उसे भूख भी नहीं लगेगी। जब तक बेटा शार लेके नीचे आता है तब तक मैं भी अपना काम ख़त्म कर चुकी होती हूँ। और बेटे के हाथ में 2 बैग देख के अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आए तो मैं बता दूँ कि एक तो उसका स्कूल बैग है और दूसरा उसका स्पोर्ट्स बैग जिसमें वो अपनी यूनिफॉर्म लेके जाता है, क्योंकि खेलने के बाद वहाँ जाके उन्हें नॉर्मल यूनिफॉर्म ही पहननी पड़ती है। मैं भी इसी टाइम अपना फर्स्ट मील यानी कि कोई भी एक फ्रूट ले लेती हूँ और स्मूदी इंजॉय करने के साथ साथ हो रही है आज स्कूल में होने वाले टेस्ट की रिवीजन। और उसके बाद 5:45 से पहले मैं निकल जाती हूँ स्टवी को वॉक पे लेके। वो ओवर एक्साइटेड हो चुका होता है इस टाइम तक, और इस आधे घंटे में स्टफ़ी की मॉर्निंग वॉक और ब्रूनो से उसकी मीटिंग सब डन एंड नाउ इट्स मी टाइम। आजकल मॉनसून चल रहा है तो वेदर बाहर थोड़ा कूल ही होता है, इसलिए स्टफ़ी को छोड़ देती हूँ छत पे। थोड़ी देर वो जाएगा टेरिस पे जब तक कि मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट ना कर लूँ। ये है मेरा फेवरेट टाइम, मेरा वर्कआउट टाइम। काम तो कुछ होंगे तो कुछ छूटेंगे, लेकिन वर्कआउट नहीं छूटना चाहिए क्योंकि आपकी फ़िटनेस हर चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तो ही आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपर पूरा कर पाएंगे। जो लोग अभी तक कुछ नहीं करते हैं उन्हें पहले वॉक से शुरू करना चाहिए, देन लाइट रनिंग, उसके बाद आप घर पे ही कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आप आएंगे लास्ट में वेट ट्रेनिंग पे। जिम जा सकें तो बहुत बेहतर, अगर नहीं जा सकें तो घर में ही कुछ वेट्स रख के ट्रेनिंग की जा सकती है। बहुत ज़रूरी हो जाता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है वेट ट्रेनिंग। एक्सरसाइज करना मेरी फेवरेट चीज़ों में से एक है। आई लव टू डू वर्कआउट्स क्योंकि मैं इसकी इंपॉर्टेंस जानती हूँ। आप लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि मैं इतनी एनर्जी कहाँ से लेके आती हूँ, तो मैं वही चीज़ें करती हूँ जिनमें मैं इंजॉय फील करती हूँ। लेकिन जिन कामों को करना कुछ खास पसंद नहीं लेकिन क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो करना पड़ेगा, तो उन्हें इंजॉय करते हुए कैसे करना है उसका वे आउट भी निकाला जा सकता है। लेकिन वे आउट निकालने की बजाय हम अपने ब्रेन को स्ट्रेस देते हैं जिससे एनर्जी डिप्लीट होती है और हम लो फील करते हैं। आफ्टर वर्कआउट बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ देर प्राणायाम और मेडिटेशन।
एक्सरसाइज करने से स्वेटिंग तो होती ही है, लेकिन इस टाइम मैं शार नहीं लेती हूँ क्योंकि अभी मेरा बहुत सा काम बाकी है। तो सिर्फ टी शर्ट चेंज करती हूँ और अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद जाके बनाऊँगी मैं ब्रेकफास्ट और उसके बाद कुछ क्लीनिंग का पार्ट भी कवर करूँगी। ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं ओट्स चिल्ला, तो उसके लिए मैंने 1 कप ओट्स लिए हैं जिनको मैंने ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लिया है और उसका पाउडर बना लिया है। अब मैं इसमें सेमोलिना यानी कि सूजी भी ऐड करूँगी, लेकिन कच्ची नहीं, उसको थोड़ा रोस्ट करूँगी। बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की इसे ज़रूरत नहीं है, अगर आप 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे रोस्ट करेंगे दैट्स इनफ। उसी बाउल में मैंने 1/3 कप के अराउंड सूजी ऐड कर दी है, साथ ही ग्रेटेड गाजर डाल रही हूँ, कैप्सिकम डाल रही हूँ बारीक कटी हुई, साथ ही डाल रही हूँ कुछ टोमेटोज, ग्रीन चिली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करें, थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, और इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर दें। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वही अपना ओजीवा का प्लांट प्रोटीन, साथ ही थोड़ा सा कर्ड ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिक घोल रेडी कर लेंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा और साथ के साथ ऐड करें, क्योंकि हमें जो इसका बैटर चाहिए वो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा रनिंग फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए। तवा पे स्प्रेड कर रही हूँ मैं ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा ऑयल, और बस ये बैटर हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे, कवर करके हम इसको पकाएंगे। दोनों तरफ से आप इसको कवर करके ही पकाएं जिससे ये जल्दी बन जाते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जैस्मिन ऊपर रेडी हो रही है क्योंकि उसका कॉलेज का टाइम भी हो रहा है, और उसके टिफ़िन के लिए स्पेशली मुझे ऐसी ही चीज़ें बनानी पड़ती हैं जिसको मैं रोल करके उसे दे सकूं, क्योंकि कॉलेजेस में कोई लंच ब्रेक नहीं होता है जैसा कि स्कूल्स में होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें ही मैं उसे देना पसंद करती हूँ जो हेल्दी भी हों और बहुत कम टाइम में खाई जा सकें। तो जैस्मिन का टिफ़िन रेडी करते करते मैंने सबके लिए ब्रेकफास्ट साथ ही में बना दिया है, क्योंकि हम सब लोग भी बहुत अर्ली ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट है हस्बैंड के लिए, 2 ओट्स चिल्ला, 2 बॉयल्ड एग और साथ ही 1 कप ऑफ मिल्क एंड या न्यूज़पेपर आल्सो। तो लीजिए मैडम भी आ गई है शार लेके। कॉलेज टाइम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बीच में बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यही एज होती है जब आप थोड़ी सी अगर हार्ड लाइफ जीते हैं तो बाद में आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। सो अच्छा खाएं, अच्छा सोचें और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएं। थोड़े से कार्ब्स मैंने उसकी डाइट में से काट दिए हैं, इसलिए फुल ऑफ प्रोटीन और हेल्दी फैट यानी कि ऑलमंड्स, और मैं दे रही हूँ उसको बॉयल एग विद मिल्क। सब लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, नाउ इट्स माई टर्न। मैं भी सबके साथ ही ब्रेकफास्ट करती हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन कई बार वीडियो बनाते बनाते टाइम यहाँ वहाँ हो जाता है। और मम्मा किचन क्लीन कर रहे हैं और साथ ही हमारी नॉन स्टॉप गपशप चालू है, और ये पेट पूजा करने के बाद स्टफ़ी की मस्ती। ये दिन में 2 बार होता है, सुबह और शाम, जब वो खाना खा लेता है यानी कि उसका पेट पूरा फुल हो जाता है, उसके बाद उसे बहुत मस्ती सूझती है, अपना कोई भी टॉय लेके वो हमारे पास आता है और हमसे खेलने को कहता है। घर के वो सारे काम यानी कि कुकिंग, लॉन्ड्री और क्लीनिंग, ये सब तो हम करते ही हैं, लेकिन आज मुझे कमेंट सेक्शन में ये जानना है कि आप में से कितनी लेडीज़ हैं जो इन सब कामों के अलावा अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कोई ना कोई वर्कआउट भी फॉलो करती हैं, और आपको ये कितना ज़रूरी लगता है। तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।